प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज रजाबंद हो गए थे कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो जब भारतीय संविधान को बनाने की बात आई तो उस समय यदि कांग्रेस पार्टी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एंड कंपनी के लोगों के पास, यदि इनके पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा काबिल आदमी होता, तो ये किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान को बनाने में उसमें शामिल उनको नहीं करते। और आज जो पूरे देश में दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो कुछ भी उनको कानूनी अधिकार मिले हैं तो शायद वो भी नहीं मिलते। और इतना ही नहीं, आज जो पूरे देश में तो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग जो थोड़े घने सुरक्षित हैं तो शायद ये भी नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि धर्म निरपेक्षता के आधार पर ही बनाया था। इतना ही नहीं, तो ये भी मैं दलित वर्ग के लोगों को बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि ठीक इसी प्रकार यूपी विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ, जब अब यूपी में भी विधानसभा का आम चुनाव होने के लिए कुछ समय बचे हैं, तो ठीक इसी प्रकार से यूपी विधानसभा आम चुनाव होने के कुछ समय पहले ही, अब जब कुछ ही महीने बचे हैं, तो यहाँ भाजपा भी, खासकर ओबीसी समाज के प्रति, यहाँ पर भाजपा का भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति उभरा नया नया प्रेम वास्तव में ये दिखावटी व हवा हवाई आदि ना होकर यदि थोड़ा भी सही व सार्थक होता तो इनकी केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें, इनके साथ साथ तो एससी व एसटी की भी सरकारी नौकरियों में अभी तक इनके बैकलॉग को जरूर भर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी पूरे देश में चाहे एससी एसटी का मामला, ओबीसी का मामला है, तो सरकारी नौकरियों में इनके पद अभी तक भी खाली पड़े हैं। साथ ही अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता है। यदि थोड़ी भी इनके प्रति, इनके मन में ओबीसी के प्रति थोड़ी ईमानदारी होती, थोड़ी सच्चाई होती, तो अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि भाजपा व अन्य सभी जातिवादी पार्टियां भी देश में ओबीसी के लोगों की जनगणना कराने में वैसे ही घबरा रही हैं जिस प्रकार से इनके आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में इनके लोगों ने अति उग्र होकर पूरे देश में आंदोलन किया था। लेकिन अब भाजपा का भी इनके वोट के खातिर यह आसानी से इनका कोई भी नाटक चलने वाला नहीं है। अर्थात अब इनकी काट की हांडी तो बार बार चढ़ने वाली नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में दलित वर्ग के लोगों के साथ साथ जो अति पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, तो वो ना कांग्रेस के बहकावे में आने वाले हैं, ना बीजेपी, ना अन्य किसी और पार्टी के, क्योंकि इनको ये बात अच्छी प्रकार से मालूम है कि इनको जो कुछ भी मिला है तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से ही मिला है। तो आज जो भी कुछ इनको थोड़ा घना ये जो जातिवादी पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है या अन्य जो भी जातिवादी पार्टियां हैं, आज जो कुछ भी थोड़ा घना इनको दे रही हैं, केवल वो अपने स्वार्थ में, अपने वोट के खातिर, ना कि इनके समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दे रही हैं। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, चाहे यूपी में दलित व अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे पंजाब में या देश के अन्य किसी भी राज्य में, ये लोग अब जल्दी से इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। तो ये भी मैं आज मीडिया के माध्यम से इन पार्टियों को बताना चाहती हूँ। तो इन्हीं कुछ जरूरी बातों के